बीजेपी के महासंपर्क अभियान के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चंडीगढ़ पहुंचे। यहां वे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से मिले। इनके अलावा वे रोटरी क्लब के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के साबू से भी मिले। इस मौके पर जावड़ेकर ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं मिल्खा सिंह ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने धारा 370 को हटाकर बेहतरीन काम किया है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हम कहते थे, सुनते थे, लेकिन अभी जो मोदी सरकार ने फैसले किए उसके कारण वास्तविकता में देश के सभी कानून अब कश्मीर में लागू हो गए हैं। कश्मीर में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी सबको उन कानूनों का लाभ होगा। पंचायत समितियों के चुनाव जो नहीं होते थे वो भी होंगे। कश्मीर में एक नई सुबह हुई है, एक महीना हो गया, लोगों ने स्वागत किया है और स्थिति कितनी सामान्य बनती जा रही है आपने देखा है। केवल 13 पुलिस स्टेशन में आज कोई थोड़े बंधन है, बाकी पूरा जनजीवन सामान्य हो रहा है और जल्दी होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। हम पार्टी की तरफ से आज सब लोगों को मिल रहे हैं। दो कार्यक्रम है हमारा, जन संपर्क भी है और जन जागरण भी है। तो जन जागरण में हम हर अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांव में सभाएं करेंगे। लेकिन जैसे मिल्खा सिंह जी है, ये देश के लिए नाज है, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जिस तरह से 92 के उम्र में भी उन्होंने अपनी चुस्त मनस्थिति और तंदुरुस्ती दोनों रखा है, यह हमारे पीढ़ी के लिए आदर्श है। और इसलिए आज मैं पहले इनको मिलने आया और मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके, मुझे क्योंकि आपने जो भाई जो इन्होंने कश्मीर की बात कही है बिल्कुल सही बात है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है मैं तो देख रहा हूँ और 70 सालों से मैं देख रहा हूँ, और जो स्टेप इन्होंने लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है और इन्होंने बहुत ही अच्छा किया जो कि कश्मीर को जो 370 धारा थी वो हटाई गई और आज जो है कोई भी आदमी कश्मीर के अंदर जाके अपना बिजनेस चला सकता है, कोई भी काम वहाँ पे जाके काम कर सकता है, सेटल हो सकता है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा, और ये कश्मीर जो था हमारा ही है, ये कौन कहता है कि कश्मीर किसी और का है, कश्मीर तो 70 साल से हमारा है और हमारा रहेगा। और हम अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि प्रकाश जी मेरे घर आए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया जहां मैं जाता हूं, इंग्लैंड जाऊं, अमेरिका जाऊं, कनाडा जाऊं, लोग बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग मोदी जी जो हैं लोगों के दिलों को छूते हैं और मोदी जी जो हैं वो हर कंट्री से जो है वो दोस्ती रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, दोस्ती रखनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, और दोस्ती रखेंगे तो हमारा इंडिया जो है आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के सारा नाम। आप सर पार्टी की नीतियों के लिए आगे प्रचार करेंगे? बिल्कुल जरूर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इनको इनकी वजह से हमारे देश का नाम जो है दुनिया भर में ऊँचा हो रहा है। धन्यवाद।